बिना प्रशिक्षण दिए वन विभाग द्वारा सांपों का रेस्क्यू कराया जा रहा है। विभाग द्वारा हाथी मित्र दल के कर्मचारियों को सांपों के रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस टीम में कोई भी सांप रेस्क्यू करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हाथी की जानकारी एवं उससे संबंधित कार्यों के लिए इन्हीं हाथी मित्र दल का गठन किया गया है, जिन्हें हाथी से संबंधित प्रशिक्षण दी गई है। लेकिन अब इस टीम से सांपों का रेस्क्यू कराया जा रहा है। बिना प्रशिक्षण लिए जहरीले सांपों का रेस्क्यू करना खतरों से खेलने जैसा है। बारिश के दिनों में जहरीले जीव जंतु घरों में घुस जाते हैं, जिससे घरवाले भयभीत हो जाते हैं, जिसे रेस्क्यू कराकर जंगल में छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। जरूरी भी है कि सांपों का रेस्क्यू कर अनहोनी घटना को रोका जाए, लेकिन इसके लिए हाथी मित्र दल के सदस्यों का जान जोखिम में है, क्योंकि वन विभाग बिना प्रशिक्षण दिए इनसे जहरीले जीव जंतुओं का रेस्क्यू करा रही है। इस विषय में जब उप वन मंडलाधिकारी धर्म जयगढ़ बाल गोविंद साहू से चर्चा की गई, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कि सांपों का रेस्क्यू करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू के लिए जरूरी कुछ सामान उपलब्ध करा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह से जान जोखिम में डालकर काम करना ठीक है। धर्म जयगढ़ से भरत लाल साहू की रिपोर्ट।